और देखिए भाई वुमेन पावर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज का ब्लॉग होने वाला है पहाड़ी लाइफ स्टाइल के ऊपर। और आज हम लोग आए हैं अपने खेत में और मैं आपको दिखाऊं तो ये है एक चीड़ का पेड़ का हिस्सा, ठीक है। तो आज हम इसे फाड़ने वाले हैं और मेरे साथ है मेरी मम्मी। तो मम्मी अभी क्या है कि घास काट रही है वहाँ पर, ठीक है। तो अभी आप इस ब्लॉग को पूरा देखना, आपको पता चल जाएगा कि यार वास्तव में हम पहाड़ी लोगों को यहाँ पर कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखो बात ऐसी है कि पहाड़ों में लकड़ी फाड़ना कोई छोटी बात भी नहीं है और बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई साहब ये हैं कुल्हाड़ी, ठीक है। और इसका प्रयोग करने से पहले मैं आपको कुछ सावधानियां बता देता हूं कि होता ये है कि इसका प्रयोग करने से पहले हमें पैरों में जूते पहनने चाहिए और बड़े अच्छे से इसको पहले चलाना आना चाहिए, उसके बाद इसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये कभी कभी हमारे बॉडी पार्ट को हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। तो मेरे को तो एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। तो अब चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मम्मी फाड़ेगी कुछ लकड़ियाँ और उसके बाद मैं फाड़ूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मज़ा आएगा। और देखिए भाई वुमेन पावर, ठीक है। दी फाड़ा क्या ये थी ली चली, चल फाड़े फाड़। और दोस्तों मैं बात करूँ आगे की आसपास का व्यू की, तो आप देख सकते हैं कि आसपास का व्यू काफ़ी अच्छा है और क्या है कि हरियाली थोड़ा स्टार्टिंग हो गई है। और जो पेड़ पौधे होते हैं ना बांस के, बुरांस के, और जो पहिया होता है हमारे यहाँ पे पाए जाने वाला मेलू का पेड़, तो वहाँ पे जो है फूल लग चुके हैं, बसंत ऋतु प्रवेश कर चुकी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो दिखाऊँ वो बसंत ऋतु के आगमन पर जो ब्यूटी है उसके बारे में दिखाऊँ, ठीक है। और फिलहाल आप जो मैंने आपको पिछले एक वीडियो ब्लॉग में बताया था कि जो चीड़ के पेड़ होते हैं उनसे कभी आप नोटिस करना, ठीक है, आज ही के टाइम पे, यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल के टाइम पे आप नोटिस करना कि उनसे जो भी एयर हवा निकलती है बाहर तो वहाँ से एक कलर निकलता है, ठीक है। तो आज मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ उसका, ठीक है। सड़ी नीच भाई वो। तो दोस्तों ये क्या आपको सड़ा हुआ लग रहा है क्या? नहीं ना, लेकिन ये कुछ हिस्सा इसका सड़ चुका है और कुछ इसका हिस्सा सही है, ठीक है। तो नॉर्मली देखो तो बात ऐसी है कि चीड़ की लकड़ी जलाने में अच्छी होती है और हल्की होती है, ठीक है, इसलिए अच्छी जल जाती है। और बाकी आप देख ही सकते हैं आगे किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से कुल्हाड़ी चढ़ाई जाती है एक वोमैन के हिसाब से, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये काफ़ी बड़ा पेड़ था तो इसे हम लगभग 3-4 महीने से कंटिन्यू इसको लेते जा रहे हैं घर पे, और फिर ये छोटा हो गया, ठीक है। पहले ये कुछ पता कहाँ पे था? पहले ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ठीक इसी के बराबर था और हमने इसको सुखाया था तो ये सूख के नीचे आ गया था, ठीक है, इस कारण से ये यहाँ पे नीचे पड़ा है आज। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि
लकड़ियों को फाड़ते टाइम हमें काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती है, तो वो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं ट्राई करता हूँ कुछ लकड़ियाँ फाड़ने की। ठीक है। हाँ भाई तो दोस्तों, अब मैं फाड़ने वाला हूँ लकड़ियाँ, और आप देखिए कि कैसे यहाँ पे लकड़ियाँ फाड़ी जाती है। ठीक है, तो ये एक एक फूट में सारा पीस आई पीसू तो नड़ता सुख अभी सुख दियो शिरला पाला पीस जो दुई तीन यू यू सिन रालो तो बीड़ो खड़ा सुख कर जो लापा सीधा घर कल जाने सीधा घर नहीं त्या बस घर छो बीड ली जा रहे हैं ली जा ली अजमाना है ली जा रहे चल तुम्हें धरो शू तब फांसी फर आना चलो दोस्तों चल धैरो तो जा। तो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पे लकड़ियाँ जो है फाड़ ली है, और मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमने एक बड़ी निकाली है ताकि हम इसको ऐसी घर पे ले जा सकें। ठीक है, और बाकी ये छोटी छोटी हैं तो इन्हें हम एक यहाँ पे हमने एक ला रखा है। ठीक है, प्लास्टिक का थैला, और उसमें रखने वाले हैं कुछ इस तरीके से। क्या बोल दिया खुणी? तो गाइस इसे कहते हैं फंची, फंची मतलब गट्ठी, तो गढ़वाली में फंची कहा जाता है। ठीक है, और यदि आप गढ़वाली समझ में आ रही हो तो मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग कमेंट में बताना यदि आप लोगों को ब्लॉग जो है गढ़वाली लैंग्वेज में चाहिए तो मैं गढ़वाली में आपको बना दूंगा। ठीक है, गढ़वाली में ब्लॉग आगे से लाता रहूँगा, फिर आपको गढ़वाली भी समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, वैसे देखो हमारे उत्तराखंड में ना कुमाऊनी गढ़वाली और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, कोई एक नहीं है, हिंदी इंग्लिश ये तो सारे लगा ही है। फिर और इधर को दिखाऊं तो यहाँ पर है एक फूल। ठीक है, ये फूल मैं एक उनके बोल दी हैं। तो दोस्तों ये हैं कमल का फूल, कमल्या है।
क्या बोल छे हम बोल तो दोस्तों पुराने जमाने में बताते थे कि इसे कहा जाता है कमलिया का फूल, ठीक है, और जो इसकी जड़ी बूटियां हैं वो खाने के काम में आती है। अच्छा जी, सो गाइस ये था आज का ब्लॉग। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक बिटकी तैयार कर ली है और मैंने यहाँ पे सिंगल ले रखा है बड़ा सा, इसको लेके जाने वाला है, ठीक है। और अब मेरे हाथ पे ना यहाँ पे वो कलर जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर पेड़ वाला, तो उसका लग चुका है, ठीक है। क्या ना, तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि आपको वीडियो कैसी लगे, ठीक है। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच पाए, ठीक है।